हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। एसके टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मैंने परचेस कर लिया है पीजीटेक का ये वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन। मैंने काफ़ी सारे ब्लूटूथ एयरफोन यूज़ किए हैं, सैमसंग, ओप्पो, एमआई, सोनीलिक्स जैसे ब्रांड के मैंने एयरफोन यूज़ किए हैं, लेकिन 900 रुपये की प्राइस सेगमेंट में आने वाला ये वायरलेस एयरफोन मुझे उनसे काफ़ी बेस्ट लगा है। यहाँ 2-3 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका साउंड टेस्ट किया है, इसका बेस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड है एंड इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी क्लियर है एंड इसका जो ट्रेवल है वो भी काफ़ी क्लियर है। साथ ही साथ मैं इसका गिव अवे भी कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपल सी 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। वीडियो को करनी है लाइक, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के करनी है कमेंट, और वीडियो को करना है शेयर। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। 25 जनवरी तक इसका गिव अवे चल रहा है। अगर हमारे 400 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं तो किसी एक लकी सब्सक्राइबर्स को मिलेगा ये पीजीटेक का वायरलेस एयरफोन जो कि 900 रुपये की प्राइस सेगमेंट में आता है। आप इसे जीत सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस एयरफोन का डिज़ाइन कैसा है। कुछ इस तरीके का बॉक्स हमें इसका देखने को मिलता है जिसपे पीजीटेक की ब्रांडिंग है एंड अपने एयरफोन का डिज़ाइन दिया हुआ है। यहाँ इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में लिखा हुआ है एंड बैक साइड पर कुछ इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो अब फटाफट से इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं। ऊपर ऊपर हमें मिलता है अपना वायरलेस एयरफोन एंड बॉक्स में हमें मिलती है पावर बैंक केबल। एयरफोन का डिजाइन काफी अच्छा है एंड इसके हम वेट की बात करें तो ये काफी लाइट वेट है, हाथ में काफी लाइट फील होता है। अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। एयरफोन के हमें फ्रंट साइड में मिलती है मेन पावर की एंड वॉल्यूम डाउन की एंड वॉल्यूम अप की। वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप की से हम वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं एंड सॉन्ग्स को भी चेंज कर सकते हैं। पावर की हमारे इस ब्लूटूथ एयरफोन को ऑन करने के लिए है, हमें यहाँ कुछ LED लाइट्स मिल जाती है। लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक माइक्रो USB पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए एंड हमें यह एक यहाँ पर SD कार्ड इंसर्ट करने के लिए भी एक स्लॉट दिया हुआ है। ये मुझे इसका एक बेस्ट पार्ट लगा है कि इसमें SD कार्ड का भी स्लॉट दिया हुआ है। आप इसे एक iPod की तरह भी यूज़ कर सकते हो, आप बिना मोबाइल से कनेक्ट किए हुए भी इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करके म्यूजिक सुन सकते हो। साउंड के बारे में मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, जिस तरीके का बेस हमें पसंद होता है, जिस तरीके का बेस हम सुनना चाहते हैं, ये वायरलेस एयरफोन हमें उसी तरीके का बेस देता है। अब बात करते हैं इसकी कॉल क्वालिटी की। तो इसमें आइसोलेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है। इसका जो माइक्रोफोन है, अगर आप हेवी ट्रैफिक में होते हो, हेवी ट्रैफिक में जब आप कॉलिंग करते हो तो ट्रैफिक की जो आवाज़ होती है वो सामने वाले पर्सन को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, केवल आपकी ही वॉइस सामने वाले पर्सन को सुनाई देगी। ये इसका एक बेस्ट पार्ट है ताकि आप अच्छी तरीके से कॉलिंग कर सको। बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की। तो म्यूजिक सुनने पर ये आपको 5 आवर का बैटरी बैकअप आसानी से दे देगा और अगर आप इसे केवल कॉल के लिए यूज़ करते हो तो ये आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा। लास्ट में जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड की है वो मैंने इसी वायरलेस एयरफोन से रिकॉर्ड की है। अब इसके हम एक और फीचर की बात करें तो हम पावर की को 2 बार टैप करते हैं तो हम इससे डायरेक्ट कॉलिंग भी कर सकते हैं। जिसका रिसेंट पर्सन को हमने जब कॉलिंग की है तो इस बटन को 2 बार प्रेस करने पर हम उस पर्सन को फिर से कॉलिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, नीचे कमेंट बॉक्स में क्या करके कमेंट करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस वायरलेस एयरफोन को जीतने का मौका आपको मिल सकता है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू हैव गाइस अ ग्रेट डे।